हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एंड एजुकेशन अकेडमी ऑफ लिटरेचर और आज के बायोग्राफी सेक्शन में हम कवर करेंगे अरुण जोशी की बायोग्राफी हु वॉज अ प्रोमिनेंट इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्लीज टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बिफोर मूविंग फर्दर तो लेटेस्ट नो अबाउट हिम ही वॉज बॉर्न ऑन 1939, डाइड 1993, वाज एन इंडियन राइटर एंड नोन फॉर टू ऑफ इज बेस्ट नॉवल्स द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास एंड द अप्रेंटिस ही ऑल्सो वॉन्ट द साहित्य अकैडमी अवार्ड फॉर इज फेमस नॉवल द लास्ट लेबरिन इन 1982, और उनकी नॉवल्स में काफ़ी अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग कैरेक्टर्स होते हैं हु आर डिस्टर्ब फॉर सम और रीजन तो अरुण जोशी एक नॉवलिस्ट थे हु मोस्ट स्ट्रॉगली देन मोस्ट हैज़ ब्रॉट टू हिज वर्क द डिटैचमेंट फ्रॉम द एवरी डे वाइल स्टिल एक्नोलजिंग इट्स एग्जिस्टेंस तो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज से आपको डिटैच करवा देते हैं इनके नॉवल्स लेकिन स्टिल आपकी एग्जिस्टेंशियल एक्टिविटीज को बनाए रखते हैं विच इज़ परहैप्स इंडियाज पर्टिकुलर गिफ्ट टू द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड बाय अरुण जोशी ही हैज़ रिटन फाइव प्रोमिनट नावल्स जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में रिटर्न मेनली ड्यूरिंग नाइनटीन सेवेंटीज़ एंड वन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मेड बुक द लास्ट एंड उनकी बुक्स की शुरुआत करते हैं द फॉर नाइनटीन सिक्सटी एट द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिसवास नाइनटीन सेवेंटी वन दिन नाइनटीन सेवेंटी फाइव द लास्ट लेबरेंटीन एटी वन जिसने साहित्य अकैडमी अवार्ड जीता था एंड द सिटी एंड द रिवर नाइनटीन अरुण जोशी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन राइटर हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं हिस्स नॉवल्स हैव कैरेक्टर्स हूँ और अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग एंड डिस्टर्ब फॉर सम रीज़न एज आई टोल्ड एंड पीपल बेसिकली डू नॉट नो दिस पर्सन अरुण जोशी लाइक अदर पॉपुलर राइटर्स आर के नारायण राजा राव और मे बी ही इज कंटेम्प्रेरी ओनली सलमान सलमान रशदी बट हिज कंट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट टू लिटरेचर वर्ल्ड एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर वन ऑफ हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरी द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आर विलेज जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो की डिटेल में तो सबसे पहले बात करते हैं उनके फर्स्ट नावल की द फॉरनर फॉरनर एक पर्सन प्रोटेगनिस को डिस्प्ले करता है उनकी, उनकी लाइफ को जिसका नाम है सिंधी ओबराय एंड थ्रू आउट द नावल दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी मच एलियनेटेड फ्रॉम हिज बेसिक रिचुअल्स कन्वेंशंस कल्चर एंड कस्टम्स सो द स्टोरी इज अबाउट अ यंग मैन कॉल्ड सिंधी हु हैज बीन रिमूव फ्रॉम हिज कंट्री ऑफ बर्थ एंड सिंस ही हैज़ नो स्ट्रोंग बॉन्डेजेस ही कॉल्स हिमसेल्फ एन एलियन तो ये स्टोरी एक ऐसे पर्सन की है जिसका नाम है सिंधी ओबराय एंड फ्रॉम केनिया ही कम्स बैक टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड ही डज नॉट सीम टू बी एसोसिएटेड विद द लाइफ ओवर हियर एंड इन एंड ही विशेज टू अचीव काइंड ऑफ ट्रिंग पीस इन हिज़ लाइफ तो ये नॉवल कई बार हमें याद दिलाता है एलबर्ट कैमस के लिखे हुए एक नावल द आउटसाइडर की अब बात करते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिसवास बिली बिस्वास भी यू एजुकेटेड प्रोटैगनिस्ट है हु डिसअपियर्स इन टू इंडियाज ट्राइबल हार्टलैंड लिविंग बिहाइंड अ फैमिली विच इज़ कन्विंस दैट ही हैज़ बीन किल्ड बाय अ टाइगर ड्यूरिंग एन एक्सपीडिशन टू इंटीरियर जंगल्स ऑफ छत्तीसगढ़ तो उनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि उनको शायद किसी टाइगर ने खा लिया एंड ही हैज़ टाइट तो द स्टोरी ऑफ अ यंग रिच अमेरिकन एजुकेटेड इंडियन एंड्स अप इन द वाइल्डनेस ऑफ सेंट्रल इंडिया लिविंग एज अ सेमी नेकेड ट्राइबल सीकिंग अ मीनिंग ऑफ थिंग्स अबब एंड बियॉन्ड ऑल दैट एवरीडे सिविलाइजेशन कैन प्रोवाइड तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं शांति की तलाश में है ही एंड्स अप टू गेटिंग एसोसिएटेड विद अ ट्राइबल आप बढ़ते हैं अप्रेंटिस की तरफ जिसमें बिल्डिंग्स रोमन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी नरेट की गई है एक कैरेक्टर की हमें इंटरनल ग्रोथ दिखती है और इंडो चाइना वॉर 1962 के पीरियड के बाद की बात है इस नावल में भी हमें कहीं ना कहीं एल्बर्ट कैमस के नॉवल द फॉल का इन्फ्लुएंस देखता है द एप्रेंटेस इज ऑल्सो नरेटेड इन अ कन्फेशनल टोन एंड द कैरेक्टर राठौर यूजिस द मोड टू एक्सप्रेस डिलेमा एंड सोशल रियालिटी इन अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टाइल तो ऐसा लगता है कि अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है स्टोरी का नरेटर फ्राम इज जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस protagonist is very passionate and passionately picturizes every minor and major incident in his life that brought his downfall and uh, the character rathore makes an honest confession without hiding any detail about his life or uh, the apprentice uh,

नॉवल में दिखाया गया सोम भास्कर नाम का एक पर्सन जो कि वेल एजुकेटेड है रिच है बट स्टिल ही इज कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन एक्वायरिंग अदर्स विल एंड ही निगलेक्ट्स हिज फैमिली हिज हेल्थ एंड कंटिन्यूसली सफर्स फ्राम इन सोमनिया एंड अ कॉल फ्रॉम इन साइड आई वॉन्ट आई वॉन्ट तो सोम इज अनेबल टू अंडरस्टैंड की वट काइंडिज़ायर ग्रोज फ्रॉम हिम विच सेज आई वॉन्ट आई वॉन्ट तो एक बार सोम एक और कैरेक्टर आफ्ताब का बिजनेस ओवरटेक करने जाता है इन दी लैंड ऑफ बेनारस एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आफ्ताब ओवर देयर हिज बिलेवर्ड अनुराधा एंड द स्परिचुअल गाइड गार्गी हेयर ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनुराधा एंड गार्गी ही रियलाइज दैट गंगा इज नॉट ओनली अ रिवर राधा A kind of spiritual being which soothes everything, which soothes every desire, and a desire of "I want, I want" is not for the worldly materialistic desires, but rather a spiritual need of a human. इस नोवेल का टाइटल समझते हैं द लास्ट लेबरेंट द लास्ट लेबरेंट एक तो बुक है पोस्ट कॉलोनियल यूथ के लॉस्ट स्पिरिचुअल और कल्चरल वैल्यूज़ को दिखाती हुई जोशी सजेस्ट करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन के नेवर गिव हैप्पीनेस रादर हैप्पीनेस लाइज इन आवर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशंस लेबरेंट का मतलब होता है मेज एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नेटवर्कस ऑफ पाथ एंड पैसेजेस और इन हिंदी यू कैन से भूल भूलैया तो कहीं ना कहीं ये पूरी स्टोरी इनिशियली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है बट इन द एंड द पर्सन इज एबल टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ तो अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं द सिटी एंड द रिवर 1990 का लिखा हुआ नॉवल है ये पूरे तरीके से पॉलिटिकल सटायर है हमारी कंट्री की 1970s की कंडीशन पर 1970s जिस ईयर में इमरजेंसी अप्लाई हुई थी इंडिया में तो एक रिवर के किनारे एक सिटी है उसके थ्रू ये स्टोरी सुनाई गई है उस सिटी में एक गुरु हैं जो कि अपने कुछ डिसाइपल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं टू तो एंटर इन अ न्यू वर्ल्ड आफ्टर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड तो इस स्टोरी में एक कैरेक्टर दिखाया गया ग्रैंड मास्टर नाम दिया गया उसको हु रन्स द सिटी विद द असिस्टेंट असिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दीज काउंसिलर्स इंक्लूड मिनिस्टर ऑफ ट्रेड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एडवाइजर द मिनिस्टर ऑफ़ रैलीस द एस्ट्रोलॉजर एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड द रिवर हेयर सिम्बलाइजेज द एंडलेस फ्लो ऑफ लाइफ नॉवल पूरे तरीके से एक सीवियर कॉमेंट्री है ऑन द टाइम एज इट Uh, contains the echoes of indian emergency of 1970s the novel deals with the rule of grand master his becoming the king uh, his terror people's rebellion and the declaration of an era of ultimate greatness the, repres uh, the repressive measure adopted by the king and finally the destruction of the city just like whatever happened during the emergency era तो अभी हमने डिस्कस की अरुण जोशी के लिखे हुए पांचों नॉवेल्स और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उनकी लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज सो प्लीज़ कीप वाचिंग आवर चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स